कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासनकाल में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर। रीवा में पुनर्घनत्वकरण के नाम पर सरकारी जमीनें बेचकर बिल्डरों को बड़ा बनाया जा रहा है। ठेका लेने वाला राजेंद्र शुक्ला का रिश्तेदार है या चहेता, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें राजेंद्र शुक्ला की सहभागिता ना हो। शहर अध्यक्ष ने कहा कि समान चौराहे की फ्लाईओवर हो, चाहे रेलवे फ्लाईओवर हो, चाहे सिरमौर चौक, सभी में जो ठेकेदार है वह एक गिरोह के लोग हैं जिसके सरताज राजेंद्र शुक्ला हैं। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने राजेंद्र शुक्ला पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। 2003 से लेकर 2023 का ये दौर आ रहा है, आप विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और रीवा के सबसे पावरफुल मंत्रियों के माने जाते हैं, और आपके चंद भैया जी के आशीर्वाद वाले लोग जो पानी पिलाते हुए बोर्ड लगाते हैं, भैया जी के आशीर्वाद से प्याव पिलवाते हैं, वो लोग सिर्फ बड़े आदमी बन गए और गरीब गरीब हो गया। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें सत्यापित बात आपसे कर रहा हूँ। और अभी पूरे देश के अंदर एक आंकड़ा आ गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में है, ये आंकड़ा आया है। तो इस आंकड़े के आधार पे, इस रीवा के सत्यापन के आधार पे, वो आंकड़ा भारत देश का है और रीवा शहर का भी आंकड़ा यह है कि रीवा में 50% से अधिक आबादी गरीब है। और सवाल मैं बार बार आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गरीब क्यों है? अगर आप विकास की बात करते हैं, पुल बनवाने की बात करते हैं, जमीन बेचने की बात करते हैं, ठेकेदारी की बात करते हैं, तो इस गरीब की बात कौन करेगा? साइकिल चलाने वाले की बात कौन करेगा? रिक्शा चलाने वाले की बात कौन करेगा? ई रिक्शा चलाने वाले की बात कौन करेगा? ऑटो चलाने वाले की बात करेगा? ये लोग कब विकास की श्रेणी में आएंगे? इनका विकास कब होगा? मैं मंत्री जी से सवाल है मेरा, इनका जवाब दें। रीवा की जनमानस जानना चाहती है कि इनका विकास कब होगा। अभी एक नया फरमान आ गया, वो फरमान ये है कि जनवरी 2023 से पहले आपको 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मिलता था रीवा शहर के अंदर 60 कोटों में। 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। अब स्थिति बदल गई, अब स्थिति ये हो गई कि 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं। 60 कोटेदारों से जब मैंने व्यवस्थित रूप से कुछ लोगों से मिल के उनसे चर्चा की और कुछ मेरे पास रीवा के खाद्यान्न लेने वाले हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो हमसे मिली, उन्होंने कहा कि हमारे घर में चावल चलता है नहीं, हमारे घर में आटा चलता है। जब मैं कोटेदारों से पूछा कि ये व्यवस्था, तो उन्होंने कहा ये व्यवस्था जनवरी 2023 से आ गई है और रीवा का शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ खाने के लिए ज़्यादातर लोग आटे का उपयोग करते हैं, चावल का नहीं करते। वो लोग तड़प रहे हैं, वो लोग विनती करते हैं कोटा वालों से, नहीं नहीं हमें चावल मत दो, हमें आटा दो। जब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी गोल्ड मेडल लेते हैं कि गेहूं की पैदावार ज़्यादा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो अगर जब गेहूं की पैदावार ज्यादा है तो आप गेहूं क्यों नहीं दे रहे हैं, चावल क्यों दे रहे हैं? चावल इसलिए दे रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी का खुद का बेयर हाउस है, उनके रिश्तेदार का बेयर हाउस है, उनके जितने राइस मिलर हैं सब उनके जेब के नीचे के लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है और कोई सहयोगी के रूप में है, चंदा सहयोगी के रूप में है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो चावल जो वेयर हाउस में सड़ जाता है वो बाद में कोटा में आता है और कोटे से वो थड़ा हुआ चावल गरीबों को खाने को मिल रहा है। तो मैं राजेंद्र शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ कि पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत जितने लोगों को आपने जमीनें दी है, अपने सामने बैठा के उस कोटे वाला चावल खिला दीजिए, तो हम मान लेंगे कि ये चावल सही है।